मेरा तो प्री बर्थडे गिफ्ट आ चुका है मम्मी की तरफ से। मेरी मम्मी ने चाची आप पास हो गए आप पास हो गए वो पास हो गए मैं बस पास हीरो हीरोइन हीरो हीरोइन मुझे भी खिला दिया तूने क्यों खाया फिर राम बहादुर अब वीडियो में रहना नहीं याद रहना राम बहादुर गुरु सो आज मैं खा रही हूँ पूरी कद्दू रायता एंड खीर और ये सब का सब बनाया मम्मी ने। हेलो गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिस इज स्वाति गुरुंग एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। सो गाइज आज है नेक्स्ट डे सो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आगे जो भी होगा वो मैं आप लोग को दिखा दे रहूंगी सो स्टे विद मी टिल द एंड। सो गाइज निखिल और मम्मी लोग तो ऑफिस जा चुके हैं क्योंकि तो मेरा तो प्री बर्थडे गिफ्ट आ चुका है मम्मी की तरफ से। मेरी मम्मी ने मतलब मेरी मम्मी ने क्या ये मैंने खुद अपने पसंद से मंगाया है क्योंकि आजकल मुझे पता नहीं क्यों ऑब्सेशन हो गया है हैंडमेड चीज़ों से हैंडमेड इन द सेंस की जो यू नो बहुत कम होता है राइट मतलब बहुत कम आप लोग को मिलेगा बट यस वैसी चीज़ें सिमिलर चीज़ें मिल जाएंगी आपको बट जो आपके पास पीस होगा वो ऑब्वियसली बात है वो हर किसी के पास नहीं होगा। एंड क्योंकि मैंने ये मंगाया है एक स्मॉल बिजनेस से जो कि मुझे इसका नाम मैं भूल गई बट मैं आप लोग को बता दूँगी नीचे उसमें लिख के जब भी तो अभी मेरे को ये आप लोग को दिखाना है क्योंकि ये बहुत 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 क्यूट है बहुत प्रिटी सा है चीज़ जो भी है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी बट अभी वर्कआउट ख़त्म करने के बाद क्योंकि ये मैंने जो मंगाया है ना तो ये हैंडमेड है जब आप उसको ऑर्डर देते हो तो वो उस टाइम पे ही बनता है उसका वो बनने का डेट मांगते हैं मतलब एक वन वीक जितने का वो मांगते हैं कि इतने दिन बन जाएगा उसके बाद वो शिप करते हैं तो आपको एटलीस्ट 10 to 15 डेज वेट करना पड़ेगा। सो या मैंने वेट किया एंड अभी ये आ गया है मेरे पास तो मुझे बस इसको खोलने की एक्साइटमेंट हो रही है बट मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करती हूँ उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत सुंदर है गाइस। मैंने जब फोटो में देखा था ना वो इस मतलब बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये हर किसी के पास नहीं होगा ऑब्वियसली बात है। सो गाइस मैंने बोला था कि ये मैं ओपन करूंगी अपना एक्सरसाइज खत्म करने के बाद तो अभी मैं ऑलरेडी अपना एक्सरसाइज खत्म कर चुकी हूँ सो इसे ओपन करते हैं एंड चेक करते हैं कि इसका जो भी मैंने मंगाया है वो कैसा है राइट सो लेट्स ओपन दिस। सो गाइज हर साल मेरे साथ यही होता है कि मेरे को जब मेरा बर्थडे आने वाला होता है कुछ भी वो आने वाला होता है तो मैं अपना गिफ्ट खुद ही चूज़ कर लेती हूँ एंड मैं मंगा लेती हूँ मम्मी लोग पे कर देते हैं सो दैट वो मेरे पसंद का भी होता है और मैं ऐसी चीज़ मंगाती हूँ जो मेरे लिए यूज़फुल हो और जो चीज़ें भी मैं मंगाती हूँ वो यूज़ होता है। मेरे को ऐसा गिफ्ट ले लो किसी से जो यूज़ ही नहीं होगा वो मैं एक बार यूज़ करूँगी उसके बाद वो पड़ा रहेगा कोने में तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है इसलिए मेरी मम्मी लोग दीदी लोग से मैं ऐसे गिफ्ट लेती हूँ जो मैं हमेशा यूज़ कर सकूँ। सो प्रिटी माय गॉड ओ माय गॉड सो क्यूट इसमें स्पेस भी है काफी स्पेस है यार अंदर से ऐसा है This is from Lunar Lux. Wow. So guys, आप लोग ने देख ही लिया है कि ये कितना सुंदर बैग है मतलब मैं तो पागल हो गई इस बैग wow, so cute. और इसका मतलब इतना साइज है कि इसमें मेरा फ़ोन फिट आ जाएगा क्योंकि सबसे मेन होता है फ़ोन नहीं फिट आता है बट इस बैग में मेरा फ़ोन भी फिट आ जाएगा एंड look at this. और इसको आप डबल करके भी कर सकते हो। आप लोगों को मेरा ये बैग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप लोग को भी ऑर्डर करना है तो कमेंट कर लेना मैं बता दूंगी उसमें कि मैंने कहाँ से मंगाया है कमेंट करके पूछ लेना मुझसे बट दिस बैग इज़ सो क्यूट एंड रियली डिफरेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है जो भी मेरे पास बैग्स है उससे तो ये बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही मतलब ये मैं साड़ी के साथ भी पहन सकती हूँ यूज़ कर सकती हूँ और ये मैं अपने वैसे ड्रेसेस वगैरह के साथ भी यूज़ कर सकती हूँ सो गर्ली एंड
really nice. I love it. So cute. आज का दिन शुरू हो चुका है एंड अभी ब्रेकफास्ट बना के बैठी हुई हूँ. अभी पता नहीं क्यों 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, मतलब ह्यूमिड हो रहा है. मतलब अभी दो तीन दिन पहले जब बारिश हो रही थी तो इतना ठंडा हो गया था कि फ़ैन ना भी चलाओ तो भी चल रहा था, राइट. बट अभी ये मतलब 3 दिन कंटिन्यूसली इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ह्यूमिड हो रही है ना आज अभी वेदर, समझ नहीं आ रहा है ये अक्टूबर आने वाला है, इतनी गर्मी क्यों हो रही है सेप्टेम्बर में भी. तो या और भैया अभी हमारी जो किचन की काम है वो ऐसी अटका पड़ा हुआ है, उन्होंने बस संडे या मंडे बोला था. आज ट्यूसडे हो चुका है और अभी तक भी हमारा काम रीस्टार्ट नहीं हुआ है. मुझे कॉल करके पूछना चाहिए एक बार. और क्या बोलते हैं, मम्मी का भी जो ये है कबर्ड, ये मम्मी का दोबारा वो चल रहा है तो उसका भी रेनोवेशन का काम चल रहा है. तो अभी नीचे इतना सामान फैला हुआ है, ऊपर भी सामान फैलाओ. सो होपफुली मम्मी का काम तो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा. बट क्या बोलते हैं, बस ये है कि जो हमारा नवरात्रि शुरू है उससे पहले पहले वो हो जाए, ख़त्म हो जाए. क्योंकि फिर उसके बाद नवरात्रि में तो एक तो फास्ट होता है, राइट. अब पूरे 9 दिन का फास्ट होता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है. ऊपर से यार पूरा घर, ऑब्वियसली बात है, अगर नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर वगैरह साफ़ करते हैं तो उस टाइम पे वो सब चीज़ें साफ करने के लिए वो सही जगह पर भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो हम साफ कर पाएंगे. सो या गाइस, अभी मैं आप लोग को अभी जाके सिचुएशन दिखाऊंगी नीचे का, क्योंकि भी नीचे बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप हो रखा है. मम्मी का रूम भी बस बेड वाली जगह, ठीक है, और इधर साइड तो पूरा ही फैला हुआ है. और अभी हमारा जो किचन है वो भी पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो रखा है तो नीचे वाला किचन पूरा खाली है. उसका काम पता नहीं कब ख़त्म होगा, और जब दोबारा से काम शुरू होगा तब फिर से मट्टी ये वो सीमेंट वीमेंट वाला, तो जल्दी से ख़त्म हो जाए बस ये हो रहा है अब. तो क्या बोलते हैं गाइस, मैं भी आप लोग को अपडेट के लिए बता रही हूँ और आगे जो भी होगा वो मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी. सो स्टे विद मी गाइस. सो गाइस, जैसे अभी जैसे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट, लाइट चले गए एकदम से. तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चाची के घर में. तो मैंने सोचा था आप लोग को दिन में दिखाऊंगी जब काम वगैरह हो रहा होगा, बट आज भी काम वाले ने हमें धोखा दे दिया है और अभी शाम हो चुकी है, 7 बजने वाले हैं. निखिल भी आने वाले होंगे ऑफिस से. अभी हम लोग को चाची के घर में जाना है तो आज हमारा डिनर वहीं पर ही है. सो गाइस, आज मैं आप लोग को चाची का घर दिखाऊंगी. मैंने आप लोग को दिखाया होगा शायद पिछले साल दशहरे में, बट उस टाइम पे इतना वो होता है ना. अभी हम लोग इतने टाइम से जाएंगे बोल रहे हैं और चाची वहाँ से बुला रहे हैं बट जा ही नहीं पा रहे हैं. कभी चाची लोग घर पे नहीं होते क्योंकि वो लोग भी दोनों ही वर्किंग है और यहाँ पे भी मम्मी और निखिल होते ही नहीं है तो मैं क्या करूँगी. सो जाना कर रहे थे बट अभी जाकर टाइम मिला है. सो अभी आज हम लोग जाएंगे एंड चाची ने वहीं पर ही डिनर रखा है हमारा. ये देखो गाइस, यहाँ पे देखो पूरा ही ये फैला हुआ है क्योंकि अब वो तो पूरा कबर्ड खाली करना था और उसने खाली करवा दिया. यहाँ पे पड़े हुए हैं सारे सामान ऐसे. यहाँ पे मम्मी का सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे किचन के सामान यहाँ फिजे हुए हैं. इधर पे अभी हमारे घर की हालत, ये जो दरवाज़ा है निकला था, पूरा ही घर ऐसे ही फैला हुआ है अभी. सो गाइस, हमारे साथ कोई जा रहा है. ये देखो कौन जा रहा है. किसके घर जा रही है? किसके घर जा रही है पता है? नहीं पता. हाँ, चाचा थोड़ी है तेरे, बाजे है तेरे तो. चाचा तो हमारे हैं. मम्मी और वहां से निकल के और हम लोग कूड़ा वाला और हम जा रहे हैं. हमारे तो यहीं से शॉप करे घर से, है ना. शकल तो दिखाओ अपना, व्यूवर्स को तुम्हारा शकल देखना होता है ना. वेरी एक्सपेंसिव फेस कहो ना, वेरी एक्सपेंसिव फेस. इस शकल के पैसे चाहिए होते भाई, पैसे लगते हैं इस शकल को देखने के. आ गए चाची के घर में. कोई आ रखा था नहीं. फ्रिज कितने का पड़ा आपको? वाह, यहाँ पे चाची हमारे लिए बना रहे मोमो. आया
चाचा हमेशा बिजी, हमेशा की तरह बिजी। पत्नी भी चाहिए क्या? मुझे नहीं चाहिए। तो चाचा ला दे दूं? अभी तो डांटेगी तेरे को, शक्ल नहीं दिखाया करके। क्या है? क्या कुछ नहीं डांटती हूँ मैं। बोले वो प्रोफेशनल वाला तरीका नहीं। चाची ने बनाया मोमो, बहुत टेस्टी हो रहा है। इतनी गर्मी है वहाँ। टेस्टी हो रहा है चाची। खामा की कसम। अच्छा तो खाने में बासे ना? वेज नहीं हुआ तो। अच्छा। वेज तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना वैसे खाके तो। वेज मोमो खाके तो तभी क्या हो जाएगा? असली गुरु, असली गुरु। यहाँ पे खाना खोलते है ना, एवढा ट्राई करो ना। नहीं बस ट्राई करके देखो, अजीब सा हो जाता है। ट्राई बोल रही हूँ मैं, ट्राई का मतलब नहीं समझ आता है। ट्राई मोमो ही खाऊंगा, मोमो ही खाने में। बट ये है कि मैं ना थोड़ा थोड़ा उसमें पार्ट्स में नहीं खाता, मेरा पेट भर जाता है पार्ट्स में खाता हूँ। ट्राई तो करो, छिड़ो। अरे वैसे मतलब रुकना नहीं चाहिए ना बीच में, तो खराब होता है। हाँ ऐसे खाना चाहिए। चाची आप पास हो गए, आप पास हो गए, वो मैं पास हो गए। तो मैंने तो पहली बार खाया ना। इन लोगों का अलग चल रहा है, दोनों भाइयों पता नहीं कितने साल बाद मिल रहे हैं। हाँ यहाँ पे चाची का सूट की आया कलेक्शन दिखा रहे हैं चाची अपना, नया कलेक्शन दिखा रहे हैं नया। अरे आदि, ये है आदि, देख माँ आदि चाचा। कितने क्यूट थे बचपन में। यहाँ देख हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन। ज्यादा खिला दिया चाची ने हमें, आज बैठने का मन नहीं कर रहा है। बहुत ज्यादा खिला लिया। मुझे भी खिला दिया एक एक करके। तुझे भी खिला दिया? हाँ। तूने क्यों खाया फिर? मुझे क्या बताऊं? बहुत ज्यादा खा लिया, बैठने का मन ही नहीं कर रहा है अब मुझे। और कलेक्शन निकल रहे हैं यहाँ पे। ये प्रिंट अच्छा लगे राजा, इस तो कहते नहीं, वो भी अच्छा लगला। पटियाला माथी को सूट अली थोड़ा सा तेई था, पटियाला को लगी माथी को, माथी को ही तो उनसे डिजाइन तलवाल तो प्लेन।
पता ही नहीं कहाँ से क्या आएगा। किने की दुपट्टे में भी थोड़ा वैसा वाला वर्क है ना, गोटा गोटा वाला टाइप। अच्छा, इस तो वाला टाइप का डिजाइन जी नहीं, गोटा गोटा। यो तो तेरी वाला कलर छ जो घर में छा, लेवेंडर कलर। ले तू, तुझे क्या दिखाऊं? हाँ तुझे क्या दिखाऊं? कत्ती सिलाना को लाई, कत्ती सूट आ गया जो चाची ले। ये तो कमीज कमीज है, इसका नीचे का क्या है? नीचे का भी होगा, ये अच्छा है। अच्छा ना पप्पू? अच्छा, ये चुन्नी इसकी। हाँ अच्छा है, दिखा ले जान चाहते। हाँ मिल गए, उन्हें तो कभी मिलते ही नहीं है कॉटन के सूट। अच्छा यो और तेओ तेस्ते तेस्ते छ नि। हां अच्छा लाग्यो छ। डांडिया डांडिया नै हट न, डांडिया में पढ्न, डांडिया में मिले कभी कभी कल दी किसने देखी। ये वाला ना गर्म में ज्यादा नहीं जाता है, और पानी ना गर्मी के कारण मुख देख, इसको मुख इतना उंगली करा तो वाइट वाला हो गया। और मछली को तो नहीं होते, इनको होता है। अरे वो बहुत बड़ी है ना, तो उसकी वजह से अब तो एक्वेरियम भी वो हो गया पुराना ज्यादा। एक्वेरियम का तो मैंने नीचे का स्टैंड बनाने के लिए बोल रखा है, एक्वेरियम थोड़ा और बड़ा लेना पड़ेगा। ना ना इतना ठीक है, इससे बड़ा उसको क्लीन करने में भी तो कितनी प्रॉब्लम होगी। नहीं नहीं कुछ नहीं है, सिंपल ठीक है। इसका ये नीचे का स्टैंड चेंज कर देंगे बस, तो उसी को रख देंगे इसके ऊपर, क्योंकि वो खराब है। चलो चलो चलते हैं घर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और आज है नेक्स्ट डे, और मेरी अभी हालत ख़राब हो रखी है इतना ज़्यादा। मेरा एक साइड, ये लेफ़्ट साइड का जो ये है ना, इतना पार्ट इतना डेंजर दर्द हो रहा है इसमें। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे ना यहाँ पे जैसे कील ठोकते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ वैसा फील हो रहा है मुझे कि ऐसे 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 वाला बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अभी मैंने सुबह मॉर्निंग में जो खाली पेट वाला होता दवाई वो खाया है। वैसे तो मैंने वो वाला खाया है जो सिर दर्द का नॉर्मल होता है, मुझे नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। सो और आज हमारे घर में वो भी है श्राद्ध का, पूजा पापा का, तो निखिल अभी नहाने जा रखे, तो क्योंकि वही करेंगे, क्योंकि और प्रसाद वगैरह सब मम्मी ने बनाया, आज मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेरे को आज 3 डेज हुआ है। सो यू नो इंडियन उसमें ऐसे टाइम पे जो भी होली वर्क होता है वो नहीं किया जाता है, सो ऑब्वियसली बात है, तो इसलिए मैंने नहीं किया, सब कुछ मम्मी ने करा है। मम्मी भी नहा रहे हैं और बाजे भी आ गए नीचे बैठे हुए हैं, और निखिल अभी नहा रहे हैं, निखिल भी निकलेंगे फिर पूजा पूजा होगी। नाम लिंदन है, हाँ, साल में एक बार था लिंदन है ना। क्या नाम हो रे? राम बहादुर। राम बहादुर आज अब वीडियो में रहना नहीं याद रहना। राम बहादुर गुरुंग बाजे का नाम, और मीना गुरुंग बजई का नाम। हरि ओम अहम मीना स्वामी वाग्रे नान्य सर सर शिकायत परम कपिला दाने सातिकम ज्येष्ठ सुतम फलम पांडवा श्रेष्ठा
विप्राणाम पाद शौचानि संपदाम सुस्थिरा भवः। मम्मी लगे ढोकर ये पूरा निकल चुका है इसका दरवाजा, तो यही बन रहा है अभी बाहर, काम चल रहा है इसका। मट्टी निकले मट्टी। सो आज मैं खा रही हूँ पूरी, कद्दू, रायता एंड खीर, और ये सब का सब बनाया मम्मी ने, क्योंकि आप लोग को बताया ही था मैंने, राइट। सो पूजा हो गया ख़त्म, तो फिर पंडित जी से पूछा कि अभी हम लोग खा सकते हैं या नहीं, तो पंडित जी ने बोला कि खा सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी श्राद्ध का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद नहीं है, तो इसलिए मैं खा रही हूँ ये बैठ के। और मुझे कद्दू पूरी तो बहुत पसंद है। ये कद्दू जो है ये मम्मी ने भेजा था घर से, तो मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी यही कद्दू बना दो, तो मम्मी ने यही कद्दू बना दिया एंड बहुत मज़ेदार हो रहा है। मुझे तो बहुत पसंद है कद्दू पूरी, और मुझे मीठा वाला कद्दू बहुत पसंद है। सो आप लोग ने कल तो देख ही लिया था, हम लोग गए थे चाची के घर में और वहाँ पे खूब मोमो खा के आए, खूब मोमो पेल के आए हम लोग। सो और उसके बाद बैठ के बात बात भी करी, अब चाची ने अपना पूरा कलेक्शन भी दिखाया, अभी नए कलेक्शन जो भी लेके आ रखे चाची। सो लड़कियों का होता है कि शॉपिंग। सो या हम भी वैसे ही हैं। सो या दैट इज़ इट गाइज, अब मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी नए ब्लॉग में। तो अभी यहीं तक ही था, और आज का दिन ऐसा ही रहेगा हमारा, अभी भी काम चल रहा है, तो आपको आवाज़ आ रही होगी, तो नीचे काम चल रहा है, वो आप लोग नए ब्लॉग में देखोगे, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा शायद तभी आ जाएगा, तब तक नया ब्लॉग आ जाएगा शायद। तो मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी, और अगर आपने आज का ब्लॉग इंजॉय किया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो नीचे रेड बटन है उसको दबाना मत भूलना, और लव यू, बाय बाय।